something up. Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कसम से, बहुत औरतें देखी लेकिन तेरे जैसी कोई नहीं देखी। तू औरतें देखता है? अरे क्यों ना देखूं? हैं? वोटी है तो मेरी? पन्ना भी नहीं है तेरी वोटी। वोटी किस वास्ते? तेरी रोटियां सेकन वास्ते? हाँ। क्या हुआ सकीना क्या बू? सकीना कहाँ है? पकड़ो इसे। चल यहाँ से। निकल जल्दी आ जा। सकीना। सकीना। चल। आ जाओ यहाँ से निकलो। चल। चलो आ जाओ चलो चल फातिमा फातिमा चलो उठो फातिमा चलो फातिमा सकीना के अब्बू आप सकीना को लेके चले जाओ उठो पहले जा पाऊंगी चलो हां जाओ अम्मी नहीं 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 फातिमा अम्मी फातिमा हिम्मत करो अम्मी फातिमा अम्मी फातिमा अम्मी उठो अम्मी चल 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 निकल ईश्वर सिया बड़ा इंतजार कराते तू क्या लाए हाथ धो लूं खुद ही देख ले तू मेरे लिए ईश्वर ईश्वर और तेरे लिए ही तो हैमर जानी है हट जाहले में तू कुंडी लगा इसकी हाय ये जड़ाऊ देख ईश्वर पुंदेला La
लाहू सजान बागी बुल बुल बोले सजान दुपट्टा लेके आ तुमने रुक जाए बस नहीं अबू नहीं अबू रामेशा की दुकान खुलवा करके राशन लेकर के आया हूँ संभाल के रखना बेटी अब्बा पता नहीं कब तक चलेगा ये सब सकीना ताई ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हालात खराब होने वाले हैं और वो लोग यहाँ से जा रहे हैं अब्बा हम लोग भी चले जाएं यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे बेटा तो इतना डर क्यों रहे हो सब जा बेटा पूरी जिंदगी गुजारी मैंने लोगों के साथ बहुत भले लोग हैं कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा 2-4 दिन की बात है अकबर सुनो दरवाजे साहब देख के बंद करना सब ठीक हो जाएगा बेटा इतना क्यों डर रही हो जाओ चाय बनाओ मेरे लिए रब नवाज क्या सोच रहे अल्लाह के बंदे ज्यादा सोचा मत कर यार फौजी का दिमाग मोटा होना चाहिए और जिस फौजी का दिमाग मोटा होता है वही अच्छा फौजी होता है ठीक कह रहा है तू ना सोचें तो अच्छा है पर सोचने वाली बात है यार इतने जल्दी इतने इनकलाब बरपा हो गए पहले हिंदुस्तान की आजादी फिर पाकिस्तान का कयाम और अब ये कश्मीर की लड़ाई यारा कभी कभी सोचता हूँ वाकई ये लड़ाई मजहबी लड़ाई है अगर ऐसा है तो हम लोग हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए लड़ने क्यों नहीं जाते दुनिया के इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं वो इस लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं लेते पहले हम एक फौज में थे अब तो फौजें भी बट गई हैं पहले सब हिंदुस्तानी फौजी थे अब पाकिस्तानी हो गए यार मैंने बोला ना ज्यादा सोचा मत कर हाँ फौजी का दिमाग मोटा होना चाहिए जितना मोटा दिमाग होगा फौजी उतना ही अच्छा होगा तेरी बात सही है हाँ भाई क्या हुआ पीछे से गालियां दे रहे हैं अच्छा चल देखते हैं भाई बुजदिलो एक एक करके मारेंगे तुम्हें ऊपर कब तक छुपे रहोगे
बचोगे दूरबीन नहीं, मरोगे सब के सब। कश्मीर छोड़ के चले जाओ, कश्मीर हमारा है। एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, एक बार दिखो तो सही। कर दो हमला। क्या हुआ? कितने गए इनके? बहुत गए हैं, थोड़े ही बच गए हैं। चौकी हमारी है। हाँ चलो 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 जी चलो। सकीना जी, कुछ कहा आपने? मेरी बेटी सकीना, आ जाओ।
कि हमने भी वो तो काम तो किया है ना कि कुछ मुस्लिम लड़कियों को रखा है तो पीछे हम कहें माना कि हुकूमत कहें ईस्ट पंजाब की कहें या तो यहाँ जो जो मध्यवर्ती हुकूमत है वो कहें चैन साहब को कहा कि आप हमको 1,00,000 रुपया दे दें तो जितनी लड़कियाँ हमारे पास है वो दे देंगे, ऐसी बाजी हमारी हुकूमत हो सकती है और इस तरह से व्यापार करेगी। मैं कहता हूँ कि वो हुकूमत को डूब जाना चाहिए अगर हुकूमत ऐसा काम करे तो, लेकिन हुकूमत को भी मैं तो एक कोड़ी नहीं दूंगा। हुकूमत ने तो नीच काम किया है, खराब काम किया है, अगर हुकूमत उसका जिम्मेवारी अपने सर पे लेती है तो हुकूमत को तो मेरे पास तौबा करना चाहिए, तौबा के साथ वो दे देना चाहिए। अब्बा आपकी इच्छा है। बशरत का देखना कहीं बाहर खेलने न चला जाए। सेमा सा रहता है आजकल, ऐसा लगता है कुछ दिनों से खेलना भूल गया है। उसे कहो इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये पहली बात नहीं हो रहा। हाँ पर कभी पहले इतने दिनों तक रहा नहीं। बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। चार दिन से पानी नहीं आया। अब्बा क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए शरीफापुर चले जाएं? मोहल्ले के सारे मुसलमान चले गए हैं। काम को अपने दिल में इस तरीके की फिक्र पैदा करने की कोशिश मत करो, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएंगे हम। कैंप में रहकर अपनी जिंदगी ख्वार करने से तो कहीं ज्यादा बेहतर और महफूज है हम अपने इस घर में बेटा, कहाँ जाएंगे? देखो बशारत को, देखो उसे समझाओ, नहीं उसे भेजिए मेरे पास, मैं निकालता हूँ उसके मन का डर। और खबरदार तो कभी ऐसी बदगुमानी दिल में लेकर नहीं तो। मेरी मती मारी गई थी भाई, उसको वहीं किनारे में खड़ा कर दिया, छुपा दिया, गया दुपट्टा लेने, दौड़ते दुपट्टा तो मिल गया, दुपट्टा लेके आया तो पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गया, फिर यहाँ यहीं आकर होश आया मुझे, पता नहीं भाई पेटी को ढूंढ रहा हूँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कैसे होगी, अल्लाह उसे सलामत रखे। सर्दी बहुत बढ़ गई इस बार। चाय भी तैयार है सर। अल्लाह के बंदे चाय दे दे। इस बार सर्दी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई। हाँ अमृतसर में तो पसीने छूट रहे होंगे। हाँ पहाड़ों में थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती है। जनाब नीचे से कुछ गड़बड़ नजर आ रही। कहाँ? नीचे से। अच्छा एक मिनट दूरबीन दे, ये पकड़। कौन है वहां?
हंजीर की दोम। अरे गाली मत दे भाई। भाई भाई कोई नहीं है। अरे ऐसी मार मारेंगे हम तुझे, सामने आ। रब नवाज। ये किसने मेरा नाम लिया? कौन है? अरे साले कुमार, भूल गया, राम सिंह हूँ। राम सिंह। राम सिंह? अरे राम सिंह, कहाँ है तू? अरे बाबड़ के कड़ा परेशान। अरे आवाज नहीं पहचानी तूने कमार के खोते? ओ खंजीर की दोम, अरे सामने तो आ। कमार के खोते? अरे सामने आऊंगा तो तू उड़ा देगा साले। ओए नहीं मारूंगा, आ जा। अबू, अबू क्या हुआ? अबू, अबू क्या हुआ? अबू, अबू क्या हुआ? जैसा, अबू, क्या हो गया? अबू, जैसा, क्या हुआ? क्या हो गया? अबू, क्या हुआ? अबू, क्या हुआ? अबू डियर, अबू, अबू क्या हुआ? अबू, अबू क्या हुआ? अबू डियर, अबू चचा, अबू क्या हुआ? पानी लेके आओ। अबू, जैसा, अबू अकबर चाचा, अबू 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 क्या हुआ? जसब, जसब क्या हो गया? जसब चाचा, अबू क्या हो गया? जसब क्या हो गया? अबू, इन्हें तो लकवा मार गया है। अकबर चाचा, अब्बा की हालत बहुत खराब होती जा रही है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप डॉक्टर को बुला के लाओ। बाहर तो दंगे चल रहे हैं, मैं कैसे जाऊं? तुम्हें कुछ करना होगा, मुझे पता है इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन अब्बा की हालत बहुत खराब है। आगे गली में डॉक्टर रहता है, तुम उससे कैसे भी लेके आओ। आप फिक्र मत करो बाजी, मैं जाता हूँ। जल्दी आना। जी बाजी। बाजी, 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 बाजी,
डरावने डरावने लोग। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आग लगा रहे हैं बाजी, बाजी। चुप हो जाओ। खांसते खांसते मर जाओ, यहीं पड़े पड़े मर जाना, मगर अपने मालिक के काम मत आना। किस काम की हो तुम अकबर चाचा? पल पल अब्बा को मरते हुए देख रही हूँ आंखों से। अकबर चाचा, तुमने उनका नमक खाया है, इतना भी एहसास नहीं कि बाहर जाकर एक डॉक्टर का इंतजाम कर सको? मैं लड़की हूँ, बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं अकबर चाचा? नवाज़, ओ राम सिंगे। यार हमें चाय पीनी है। पियो पियो, ऐश करो। ओए ऐश किस तरह करें? सारा सामान उधर पड़ा है। किधर? अरे उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। तो क्या चाहते हो? हमें सामान ले आने दो। जा ले आ। गोली नहीं चलाना, तू उड़ा देगा कमार के खोते। बक मत हंजीर के झटके। पहले कसम खा। अरे किसकी कसम खाऊं? अरे किसी की भी खा ले। बक मत हंजीर की दोम। जा ले आ। जा। थैंक यू। नो मेंशन। हेर साले। ओए देख के मारना, किसी को गोली लगे नहीं। अकबर चाचा, अकबर चाचा कहाँ चले गए? अकबर चाचा, अकबर चाचा, दरवाजा भी खुला है। अकबर चाचा, क्या हुआ बाजी? अकबर चाचा नहीं है अंदर, शायद डॉक्टर को बुलाने गए होंगे। शाम होने वाली है, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। मैंने खामखा अकबर चाचा पे चिल्ला दिया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। चाचू मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उम्मीद मत छोड़ो, हमारी कौम के कुछ लड़के अमृतसर जाते रहते हैं, वो तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। हाँ चलो। चलो तड़के वाली गड्डी करनी है, वहाँ पानी चेक किया था? हाँ सब चेक है। वीरे मैं की करना है? वो सब ठीक है, अपना ध्यान रखो बस। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे चाचू जी हैं और बड़ी परेशानी में हैं, आप इनकी मदद कर दो।
की गल है? रो मत, सब ठीक हो जाएगा। इसमें कितने दिन है? शायद 2 दिन है। माफ करना, मैं जोड़ा नहीं दे पाऊंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए अब, बस आप ठीक हो जाओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है चाचा, ठीक हैं आप? क्या बताऊं बेटा, कुछ पता चला मेरी बेटी का? चाचा कुछ पता नहीं चला, बड़ा अफसोस हो रहा है, ढूंढ नहीं पाए, लेकिन जल्दी ढूंढ लेंगे चाचा, फिक्र नहीं करो। ना जाने किस हालत में होगी। चाचा रोइए ना, चाचा चाचा एक मिनट, चाचा चुप तो हो जाओ, मेरी बात सुनो चाचा। चाचा हम हैं ना चाचा, बेटी किस हालत में होगी मेरी? चाचा हम हैं ना, हम हैं ना, हम लेके आएंगे बस तुम्हारे। चाचा हम ढूंढ रहे हैं चाचा, वो जहाँ कहीं भी होगी ना हम लेके आएंगे उसे। कैसे जिएगी वो? कोई नहीं चाचा, नहीं सब्र करो, हम लेके आएंगे चाचा। कौन लड़की है भाई? आपको अप्पा के पास जाना है ना, चलो हमारे पास है। ओ राम सिंह, चाय तैयार हुई? अरे अभी कहाँ कमार के खोते? वक्ता है साला, कोई दूसरा ऐसा बोले ना तो साले को गोली मार दूं, पर क्या करूं, बचपन का दोस्त है साला। रुक साले, वक्ता है। साला दोस्त है, अब लगता है इसको शक्ल दिखाई देता हूं मैं। राम सिंह, रब नवाज, ओ पट्टी लाओ। छोड़ दे, पट्टी नहीं चाहिए, गोली लग गई है।
राम सिंह। यार राम सिंह का ईशा सिया ईशा सिया कहाँ था तू इतने दिन? मैंने पूछा कहां था तू इतने दिन? पता नहीं ये कैसा जवाब है? ईशर अंत ईशर क्या हुआ जानी? कुड़ी का दिमाग खराब है। ईशर कहाँ था तू इतने दिन? कसम भाई गुरु दी बोलना कहाँ था इतने दिन? बुरे दी माँ दे कर बड़ी कमाल औरत है तू। ईशर कहाँ था तू इतने दिन? शहर गया था ना? नहीं झूठ बोल रहा है तू। शहर गया था, बहुत सारा सोना लूट के आया है और मुझसे छुपा रहा है। अपने बाप का नहीं जो तेरे से छुपाऊं कुछ। फिर क्या हो गया था तुझे उस दिन? अच्छा भला था लूटे हुए गहने आके मुझे पहनाए, इस बिस्तर पे मेरे साथ लेटा, फिर क्या है तेरे जहन में? बीच रात बस उठा और चलता बना। और 8 दिन बाद लौटा है, आ, 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 आ,
हाँ सुबह निकलना है फजर की नमाज पढ़ के इंशाल्लाह। अच्छा उसका वही गया था डॉक्टर के पास, दवाइयाँ लेके आया हूँ। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, मैंने कल फिर से जाना है ना। बेटा बेटा पता लगा मेरी बेटी का? चाचा अभी कुछ पता नहीं चला, पता लगता तो बताएंगे आपको। कितने दिन हो गए, पता नहीं किस हालत में होगी मेरी बेटी। बेटा ढूंढ लो उसे। बेटा पता चला बताते हैं। चलो भाई चलो चलो, बारिश होने वाली बाहर। चलो चलो चलो। हाँ हाँ आप आराम करो। अरे भाई, अरे बेटा कैसे आराम करूं बेटा, कैसे आराम करूं। ईश्वर सिया मेरी जान, कसम सच्चे बादशाह दी, दाल इच कुछ काला है। तेरी जान दिसो कुछ नहीं है। ईश्वर सिया क्या बात है, तो आज वो नहीं है जो 8 दिन पहले था। मैं वही हूं, आज तेनों जफा पावांगा, तेरे हड्डां दी गर्मी निकल जाएगी। क्या हुआ सी उस रात? बुरे दी मां दा सिर नहीं दसेंगा। कुछ होए तो दसा। झूठ अपने हाथों से जला देना अगर झूठ बोला। चल अब्बा, चांद निकल आया है। बेटा मेरा बिस्तर बाहर डाल दो। जी इंतजाम करती हूँ। रेलवे लाइन पे एक लड़की मिली है, बड़ी बुरी हालत में है वो। अच्छा चलो चल के देखते। चलिए। एक बाजी ताश की हो जाए, पत्ता फेंटू। तफा हो ना करी शर, मेरी दर्द हों दिया। ले फिर तुरुप की चाल।
कसम वाहेगुरु दी, बड़ी कारी औरत है तू। बड़े सालिम है तू ईशर। होने दे आज सुलम। बहुत फेंक चुका ईशर, अब पत्ता फेंक। एक सिख खड़ा है बाहर। सिख? क्या लेने आया है? दरवाजा खोलने को बोल रहा था। जाओ पहले खोल दो। गुरमुख? नहीं, गुरमुख चाचा नहीं है। गुरमुख होगा, खोल लो। आदाब चाचा। आदाब बेटा। आदाब। आदाब चाचा। आदाब बच्चे, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ चाचा, आइए। जैसा आदाब हर से, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है। ईद की मुबारक हो, और ये रही आपकी मिठाई। गुरबख्श सिंह, हर ईद पर ये क्यों इतनी तकलीफ देते हो तुम अपने आप को? ईद का चांद वक्त पर निकले ना निकले, लेकिन तुम्हारी मिठाइयां वक्त पर। जैसा कि मैं बोल सकता, जब मैंने फांसी का हुक्म होया सी, तो तुसी मेरी जान बचा के एक नवी जिंदगी दिती सी। मेरिया सौ पुश्तां भी एक गल नहीं भुल सकदी। तुसी तो साडे लई फरिश्ता हो। एक तो समैया खान का मौका इस ईद के मौके पर, दूजी तुहाडी मुलाकात हो जाती। और मैं की चाहिए? ईद का इंतजार तो मैं तुहाडे तो वध करदा। भाई मैं रहा ना रहा, जा साहब मेरे बच्चे इस रस्म नूं हमेशा निभाउंदे रहणगे। गुरमुख सिंह दे घरों ये मिठाई तुहाडे घर हर साल आएगी, हर साल। खोल दो। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, ये तूने क्या कर दिया यारा? खंजीर के खोते। मैंने तो ऐसे ही गोली चलाई थी, तुझे किसने कहा था सामने आने के लिए? मैं अपना आप तुझे दिखाने के लिए सामने आया था, पर रब के पुत्र तूने फायर कर दिया। नहीं, और नहीं है, कसम वादा औला शरीफ की, मैंने तो ऐसे ही गोली चलाई। मुझे क्या पता था कि तू खोते का सिंह सामने आ जाएगा। राम सिंह, नहीं, नहीं। अबे ये डॉक्टर को बुला के लेके आओ। चलो 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 बुला के ला दे।
आप कौन? मैं इसका अब्बू हूं। ईश्वर सिंह कौन वे छुड़ैल जिसके साथ तू इतने दिन रह के आया है? कौन है जिसने तुझे इस तरह निचोड़ दिया है? मैं पूछ रही हूं, कौन है वो कंजर? कौन है वो कमीनी? हाँ, कोई नहीं कुलवंत, कोई नहीं। मैं आज सच झूठ सब जान के रहूंगी। खा वाहिगुरु जी दी सौ कि इसकी तह में कोई और औरत नहीं है। हाँ, कसम खाने से पहले ना सोच ली, मैं भी सरदार निहाल सिंह दी तिया। जे तू झूठ बोलिया ना ते बोटी बोटी कर देंगे तेरी। हुन खा सो कि इसकी तह में कोई और औरत नहीं है। कौन है? मैं संतोख सिंह, सरदार गुरमुख सिंह जी का बेटा। किस लिए आना हुआ? मैं मिठाइयां लाया हूं। आइए। चलिए। खसमानु खानी कौन है? कौन वे छुड़ैल? कौन वो कंजरी कमीनी? कौन ईशर? लूट के चकेने लाया था? किस कंजरी को जाके पहनाए? हाँ हाँ, किसको पहनाए? रहने थे कुलवंत, रहने थे। तुझे गहनों के पीछे के सब शायद पता चलेगा तो तू कभी नहीं पहनेगी। मुझे नाम बता उस बेखसमी का। गाली मत दे उस बेचारी को। खसमानु खानी, मेरी जान, तूने बड़ी जल्दी कर दी। चल, चुप किया, टीकी किया। कौन है? कौन है वो? बद किरदार कंजरी! बताता हूँ, इंसान मायवा बड़ी अजीब चीज है। मतलब की बात कर ईशर।
मतलब की बात करूं कुलवंत, मायो गला चिरा आहिस्ता आहिस्ता बता पाऊंगा। जनाब जल्दी से एक डॉक्टर रवाना करें, मेरा दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया है। राम सिंह? सवाल ना करें जनाब, बस डॉक्टर रवाना करें। खुदा रहा। ठीक है, देखते हैं। राम सिंह, राम सिंह है, फिक्र ना करो, डॉक्टर आ रहा है। फिक्र किसी बात की नहीं आ रहा, ये पता मेरे कितने जवान मारे तुम लोगों ने। सिर्फ एक। और तुम्हारे छे तुम लोग पोस्ट संभालो जाके। जाओ मैं जब समय हुआ तो सब घबरा के थे, पर मैंने कहा खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से। जी सत श्रीकाल जस साहब, मैं संतोख सिंह, गुरमुख सिंह जी का बेटा। अगर मेरे पापा जी होते तो आपको इस हालत में देख के बहुत दुखी होते। क्या हुआ गुरमुख को? पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे। कब हुआ? एक महीना हो गया, पर मरते समय उनकी जबान पे बस यही शब्द थे जो परंपरा 10 सालों से चलती आ रही है कि हर ईद के दिन जस साहब के घर मिठाइयाँ पहुँचाना। बस वही दिन आया था। अच्छा सत श्री अकाल। हाँ मेरे यारा, वो दिन याद है, सूर के नल, वो याद है तुझे, वो मैडम। कौन? वो इटली वाली, क्या नाम रखा था हम लोगों ने उसका। अच्छा वो मिनीता फिंतीसियो, पैसा हजम, तमाशा खत्म। पर तेरे साथ कभी कभी रियायत कर देती थी। राम सिंह अब तू खामोश रहे, तू खामोश रहे। खामोश रह यारा, तुझे तेज बुखार हो रहा है। पंचतन पाक की तुम लोगों को भरगलाया गया है। कसम खाओ यारा, ठीक होगा। आ,
राम सिंह क्या देख रहा है? देख रहा हूं टंकी में पेट्रोल कितना बचा है। नहीं राम सिंह नहीं है। अच्छा जी हो गया तोड़ा पूरा वचन जी। लसी कर ली अपना काम जी। कुलवंत मेरी जान मैं कैसे बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ी या बड़ा अजीब जानवर जब शहर में लूट मची तो मैंने भी खूब लूटा मगर एक बात जो तुझे बता नहीं पाया। क्या बात थी वो? जिस घर में मैंने धाबा खोला देखता हूँ। रुको सादिक मैं देखती हूँ बाहर कौन है इस वक्त। Hey!
मरी होती वो, लाश थी। ठंडा गोश्त, मेरा हाथ पकड़ कुलवंत, जरा पर्दा खोल दो। प्यार से बोल रहे हैं, खोल दो। अरे मान भी जा, चलो खोल दो, चल खोल दे। अरे बोल दिया ना, खुद ही खोल दो। अब एक बार हो गया ना, चलो खोलो। अच्छी शर्म आ रही है। ये कपड़े खोल दो, खोल दो कपड़े, खोल दो कपड़े, खोल दो कपड़े, खोल दो कपड़े। ये राम सिंह है, ये राम सिंह तो बटवारे से पहले हमारी पलटून में था। जी जनाब। राम सिंह, ए राम सिंह, कुछ नहीं भूल गया तो राम सिंह, राम सिंह, राम 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 सिंह। दुश्मन मरे ओ दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना ओडी गर्त दिन गया मोहम्मद, लोड़क नू डूब जाना। बाग बहारा ते गुलजारा करी, ओ गम बंदे नू इंज लग जांदा, जिंज लकड़ी नू आरी। अल्लाहू अल्लाहू माली
कम पानी पाना ओ माली दा कम पानी पौना ओ पर मशकां पावे बर बर मश कहां पावे पावे ओ मालिक दा कम पल पुल लाना